करने जा रहे हैं जो प्रेजेंट टेंस है उसका नेक्स्ट टाइप जो है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आइए देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, क्यों यूज होता है, कहां पर यूज होता है। देखिए जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस होते हैं हमारे, वो कुछ इस तरह के कामों को बताने के लिए होते हैं जो प्रेजेंट में चल रहे हैं, लगातार चल रहे हैं। कब शुरू हुए थे, कब खत्म होंगे, अभी इसमें ऐसा कुछ नहीं है, यानी कि काम क्या है, चल रहा है, कंटिन्यू है, विदाउट एनी ब्रेक, बिना किसी पॉज के, बिना किसी ब्रेक के। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि मैं खाना खा रहा हूँ, या फिर आपने कहा कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, या फिर आपने कहा कि मैं पिक्चर देख रहा हूँ। तो जो भी काम आप प्रेजेंट में कर रहे हैं, मतलब आपका जो काम है वो क्या है, कंटिन्यू है, तो उस कंडीशन में हम यूज करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। तो आइए देखते हैं यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो टेंस है हमारा, उसको हम प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, क्योंकि प्रोग्रेसिव का मतलब हुआ कि कोई भी काम आपका क्या है, कॉन्टिन्यूअस चल रहा है, उसमें अभी कोई भी पॉज या फिर कोई भी ब्रेक नहीं है, तो उसको जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहा जाता है। इसी को प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है, क्योंकि आपका जो काम है वो क्या है, लगातार चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ है, और आपने ये नहीं बताया सेंटेंस में कि वो कब से चल रहा है, आपने जस्ट यही बताना है कि काम हो रहा है, काम चल रहा है, तो इसको बताने के लिए आप यूज करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। देखिए मैंने आपको बताया था कि हर एक टेंस की अपनी एक क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, तो वैसे ही ये जो टेंस है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसकी भी हेल्पिंग वर्ब होती है, इसकी भी अपनी एक हेल्पिंग वर्ब है, और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो है इज, एम, आर। ओके, तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो है इज, एम, आर। अब देखिए इज, एम, आर तीन हेल्पिंग वर्ब हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, दो तरीके के होते हैं, सिंगुलर होंगे या फिर प्लूरल होंगे। तो यहां पर तो तीन हेल्पिंग वर्ब्स हैं, तो यहां पर सिंगुलर के साथ क्या आएगा और प्लूरल के साथ क्या आएगा, तो तीन किस तरह की है, तो ध्यान रखिएगा हमेशा यहां पर जो एम है वो सिर्फ और सिर्फ आई के साथ यूज होता है, बाकी जो यहां पर इज है वो तब यूज होगा जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, और आर का यूज तब होगा जब हमारा सब्जेक्ट कैसा होगा, प्लूरल होगा। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा इज का यूज कब होगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और आर का यूज कब होगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, यानी कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, एक से ज्यादा है, बहुत सारे हैं, तो वहां पर हम आर को यूज करते हैं। आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के। तो ध्यान रखिएगा मैंने आपको बताया था कि जो भी हम टेंस लिखते हैं या जो भी टेंस की हम बात कर रहे होते हैं, तो उस हर एक टेंस में चार तरह के सेंटेंसेस बनते हैं, एक पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंटरोगेटिव, और फोर्थ होता है आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो देखिएगा यहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंसेस जिनमें कोई भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस आ जाएगा, जिसमें कोई भी डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट आ जाएगा, यानी कि जो भी आप बात बोल रहे हैं वो पॉजिटिव है, नेगेटिव या फिर क्वेश्चन वाली नहीं है। तो यहाँ पर देखिए जो भी आपका काम जो है प्रेजेंट में अभी भी हो रहा है, चल रहा है, उस तरह के सेंटेंसेस को बताने के लिए यूज होता है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल, यहाँ पर पहला जो एग्जाम्पल है हमारा वो है They are writing letters. जब भी हम इस तरह के सेंटेंस लिखते हैं तो हमेशा ध्यान रखिएगा सबसे पहले हमारा जो आएगा यहां पर वो होगा सब्जेक्ट, उसके बाद जो भी उसकी हेल्पिंग वर्ब होगी वो आ जाएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर हमारा जो सब्जेक्ट है, जो हमारा सब्जेक्ट है वो अगर प्लूरल है, यानी कि बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, बहुत ज्यादा लोगों की बात हो रही है, तो उस कंडीशन में हम यूज करते हैं प्लूरल वर्ब को, यानी कि आर को यूज करेंगे हम। उसी तरह से अगर हमारा जो सब्जेक्ट है सिंगुलर होगा तो हम इसको यूज करेंगे, और अगर हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो आई होगा तो यू हैव टू यूज ओनली एम, सिर्फ और सिर्फ एम यूज करेंगे। कौन से टेंस में? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ठीक है, तो आइए देखिएगा यहां पर वर्ब आईएनजी फॉर्म में है। आपको बताना चाहूंगी जिन्होंने भी वर्ब के लेक्चर्स नहीं देखे हैं, या फिर जो भी हमारे प्रीवियस लेक्चर्स हैं इंग्लिश में वो नहीं देखे हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए हैं, आप वहां पर जाकर पहले जो पिछले लेक्चर्स हैं उनको देख सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर वर्ब आईएनजी फॉर्म में है, जिसको फोर्थ फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब कहा जाता है। उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट होता है हमारा,
या फिर जो भी हमारा कॉम्प्लीमेंट होता है सेंटेंस का या फिर रिमेनिंग पार्ट होता है जिसके बारे में आगे चीजें हैं, जो वर्ब है वो जिसको डिस्क्राइब कर रही है, जिसके बारे में बता रही है, वो आगे लिख दिया जाता है। तो सेंटेंस इस तरीके से हमारा पॉजिटिव सेंटेंस लिखा जाता है। सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद जो मेन वर्ब है वो आईएनडी फॉर्म में आएगी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। और एक चीज और ध्यान रखिएगा हमेशा कि जब भी कोई भी कंटीन्यूअस टेंस की हम बात करते हैं या फिर कोई भी प्रोग्रेसिव टेंस की हम बात करते हैं तो वहां पर जो हमारी वर्ब आती है वो हमेशा, जो मेन वर्ब होती है हमारी, वो हमेशा फोर्थ फॉर्म में होती है। और फोर्थ फॉर्म कौन सी फॉर्म होती है मेन वर्ब की? डेफिनेटली दैट इज आईएनजी फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। तो उसी को कहा जाता है फोर्थ फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा ही इज सिटिंग इन द रूम ऑल अलोन। तो यहां देखिएगा एग्जांपल में सब्जेक्ट आपका कैसा है? सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। और सिंगुलर सब्जेक्ट में आपने जो हेल्पिंग वर्ब लगाई है वो है इज, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब आती है वो आती है इज। तो यहां देखिएगा, और जितने भी हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के सेंटेंसेस होंगे उन सभी में वर्ब हमेशा फोर्थ फॉर्म में होगी, यानी कि वर्ब की हमेशा आईएनजी फॉर्म ही यूज होगी। और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेंटेंस होगा वो वर्ब के आगे लिखा जाता है किसी भी सेंटेंस में, चाहे वो आपका अफर्मेटिव हो, चाहे वो आपका नेगेटिव सेंटेंस हो, चाहे वो इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, चाहे इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो, जो भी ऑब्जेक्ट होगा आपका या फिर रिमेनिंग पार्ट होगा या फिर आपका जो भी कॉम्प्लीमेंट होगा वर्ब का, वो हमेशा वर्ब के बाद लिख दिया जाएगा। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा शी इज स्मोकिंग अ सिगरेट। ठीक है, वो सिगरेट जला रही है, फिर सिगरेट फूक रही है, इस तरीके का सेंटेंस यहाँ पर देखिएगा। तो यहाँ पर भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो इज आ गया है यहाँ पर। और वर्ब सब में देखिएगा आप फोर्थ फॉर्म में ही रहेगी, आईएनजी फॉर्म में ही रहेगी। हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी अपने अपने सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग। जो भी सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज लग जाएगा, प्लूरल है तो आर लग जाएगा, और अगर हमारा सब्जेक्ट आय है तो हमें एम यूज करना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा इस तरीके से सेंटेंस लिखे जाते हैं। अब देखते हैं दूसरी चीज। तो ये तो हमारा पहला पार्ट हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कैसे एक्शंस को बताता है, किस तरीके के कामों को बताता है, जो काम जो है अभी प्रेजेंट में चल रहे हैं, हो रहे हैं, उनको बताने के लिए यूज होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आइए दूसरा देखते हैं इसमें, सेकेंड यहां पर देखिएगा, आप यहां देख सकते हैं सेंटेंस में आई एम सीइंग यू टुमारो, मैं कल आपसे मिल रहा हूं या फिर कल मैं आपको मिलूंगा। तो जो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है वो फ्यूचर में होने वाले एक्शंस को भी बताता है। जैसे हम कई बार बोलते हैं कि हम आपसे कल मिल रहे हैं, या फिर हमारी मीटिंग यहां पर देहरादून में कल हो रही है, या फिर जो है कल सभी लोग हमारे घर पर इकट्ठा हो रहे हैं। तो वहां पर जो है फ्यूचर एक्शंस है, बट दे आर द नियरेस्ट फ्यूचर, वो एक तरह से हम नियर फ्यूचर की बात कर रहे होते हैं, तो वहां पे भी आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को यूज कर सकते हैं। ठीक है, ख्याल रखिएगा जो हमारा ये जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो फ्यूचर एक्शन को बता रहा है। फ्यूचर फिक्स एक्शंस जो होते हैं हमारे फ्यूचर में, जो हमें पता है कि कल परसों या नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ ये काम होंगे ही, या फिर एक्चुअल में ये नियर फ्यूचर यानी कि कल परसों नरसों इतने तक का जो भी काम होगा उसको बताने के लिए यूज किया जा सकता है इसका फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का। जैसे आपने कहा आई विल बी गोइंग देयर, तो ये तो फ्यूचर टेंस हो गया, लेकिन इसी को आप प्रेजेंट में लिख सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि आज रात मैं दिल्ली जा रही हूं, आई एम गोइंग टू दिल्ली टुनाइट, तो यहां पर आप इस सेंटेंस को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको यहां तक क्लियर हुआ है। अब देखिएगा यहां पर एग्जाम्पल है हमारा, ही इज गोइंग टू मुंबई द नेक्स्ट वीक, ही इज गोइंग टू मुंबई द नेक्स्ट वीक। तो यहां पर देखिएगा ही इज गोइंग टू मुंबई नेक्स्ट वीक, मतलब वो अगले हफ्ते जो है मुंबई जा रहा है, वो अगले हफ्ते मुंबई जा रहा है। तो इसका मतलब है जो एक्शन है दैट विल टेक प्लेस इन फ्यूचर, लेकिन वो क्या है टेंस आप यूज कर सकते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस।
सेंटेंस को हमेशा ध्यान रखिए आप लिखेंगे सबसे पहले जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, जो काम को करेगा वो लिखा जाता है, और जिस समय की आप बात कर रहे हैं उस समय को आप लिखेंगे, और जिस काम के होने की आप बात कर रहे हैं उस काम के बारे में बात करेंगे, और उस काम का इफेक्ट किस पर पड़ेगा, या फिर उस काम को के जो रिजल्ट्स हैं वो किसको मिलने वाले हैं, या फिर उस काम से रिलेटेड जो भी चीज है वो हम उस वर्ब के उस क्रिया के आगे मेंशन कर देते हैं। यहां पर देखिएगा ये क्या हो गया, इसका रिमेनिंग पार्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट हम बोल सकते हैं। ओके, तो ये तो बात की हमने सारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। अब बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के दूसरे सेंटेंस की, जो कि है नेगेटिव सेंटेंस। तो आइए देखिए जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस है, यहां पर देखिए कुछ अफर्मेटिव सेंटेंसेस के और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। अफर्मेटिव सेंटेंस के कुछ और एग्जाम्पल्स देख लीजिएगा यहां पर। दे आर मेकिंग काइट्स, तो देखिए आर क्यों लगा है, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। फिर शी इज वीपिंग लाउडली, इज क्यों लगा है, बिकॉज हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, सिंगुलर है। फिर सम बर्ड्स आर फ्लाइंग हाई इन द स्काई, यहां पर जो सम बर्ड्स हैं, तो बर्ड्स हमारा जो सब्जेक्ट है वो कैसा है, प्लूरल है। बर्ड्स हमारा सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने क्या यूज किया है, आर यूज किया है। दूसरा यहां पर देखेंगे शी इज लाइटनिंग अ कैंडल, वो कैंडल जला रही है। एंड द लास्ट सेंटेंस इज दे आर क्वारलिंग विद देयर नेबर्स, वो अपने नेबर्स से लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। तो इसका मतलब जो काम है वो प्रेजेंट में अभी भी क्या हो रहा है, चल रहा है, कंटिन्यू है, ठीक है। तो इसलिए हमने यहां पर यूज किया, हमने यहां पर कौन सा टेंस यूज किया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आइए चलिए नेगेटिव की तरफ बढ़ते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जैसे कि मैंने आपको बताया था, किसी भी एक टेंस में जो हम सेंटेंस पढ़ते हैं वो चार तरह के सेंटेंस पढ़ते हैं। पहला आता है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो ये चार तरह के सेंटेंस हम पढ़ते हैं, जिसमें से हमने एक टाइप अभी देखा अफर्मेटिव सेंटेंसेस का, पॉजिटिव सेंटेंसेस का। अब हम यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट जो हमारा है नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में यहां देखिएगा, नेगेटिव सेंटेंस का मतलब ये होगा कि आपका जो स्टेटमेंट पॉजिटिव था वो पूरा वैसा ही लिखा होगा, बस उसमें एक नेगेटिव वर्ड यानी कि नॉट ऐड हो जाता है, जो कि लिखा जाता है मेन वर्ब से ठीक पहले। जो नॉट यूज होगा वो मेन वर्ब से ठीक पहले लिख दिया जाएगा, बाकी का जो आपका सेंटेंस है वो बिल्कुल सेम रहेगा। तो यहां पर देखिएगा वी आर नॉट टेलिंग अ लाई, दूसरा है She is not wearing her shoes, वो अपने shoes नहीं पहन रही है। They are not eating mangoes, वो आम नहीं खा रहे हैं। यहां पर He is not copying me, वो मुझे copy नहीं कर रही है। तो यहां पर ये सारे जो sentences हैं, वो negative sentences हैं, लेकिन इनका जो meaning है, इनके लिए जो helping verb use हो रही है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हो रही है। और मैंने आपको बताया नेगेटिव सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस की तरह ही है, बस उसमें नकारात्मक भाव यानी कि नेगेटिव फीलिंग होती है, यानी कि चीजों को नहीं के सेंस में दिखाया जाता है, ठीक है। और वो जो नॉट आप लगाएंगे वो हमेशा आएगा मेन वर्ब से पहले, जो नॉट को यूज करेंगे आप वो हमेशा मेन वर्ब से पहले यूज करेंगे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट है हमारा, इसका जो नेक्स्ट टाइप है हमारा, इसका टाइप इन द सेंस की जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, सेंटेंस का जो नेक्स्ट टाइप है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, वो है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। और मैंने आपको बताया था कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं, ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनको बोलने या लिखने के बाद आपको आंसर की रिक्वायरमेंट होती है, आप आंसर एक्सपेक्ट करते हैं सामने वाले से, जिससे भी आप क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। यहां पर देखिएगा नेक्स्ट है हमारा, यहां पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही इंटरोगेटिव सेंटेंस है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि मैंने आपको एक चीज बताई थी टेंस में, जब हमने हमारा जो टेंस का पहला लेक्चर है उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं वो दो तरीके से पूछे जाते हैं। एक तो हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें सिर्फ यस या नो की फीलिंग होती है, यानी कि यस या नो में हमारा आंसर हो सकता है, लेकिन दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें हमारा आंसर कभी भी यस या नहीं होगा, हमें एक्सप्लेन्ड आंसर वहां पर देना होता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर आपका जो सेंटेंस है वो क्या से शुरू हो रहा है, तो आपका जो क्वेश्चन होगा वो उस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा इंग्लिश में। जैसे मैंने आपसे पूछा कि
क्या देहरादून में बारिश हो रही है, क्या चेन्नई में बारिश हो रही है, ठीक है, या फिर आपने मैंने आपसे पूछा कि क्या आप नॉवेल पढ़ रहे हैं, या फिर मैंने आपसे कहा कि क्या आप इंग्लिश सीख रहे हैं। तो ये सारे जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं, सवाल होते हैं, जब भी क्या से शुरू होते हैं तो वहां पर हमारा जो सेंटेंस है वो शुरू होता है उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब से। और यही अगर आप क्वेश्चन पूछते हैं क्यों, कब, कैसे, कहां, किसे, किसको, तो वो जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं वो हमारे स्टार्ट होते हैं, शुरुआत होती है उनकी उन्हीं क्वेश्चन वर्ड्स से जो कि ऐड हो जाते हैं हमारे इंटरगेटिव सेंटेंसेस में। तो आइए देखते हैं एग्जांपल। आर दे बीटिंग अ ड्रम, यानी कि आर से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब आपका जो सेंटेंस है, मीनिंग जो है सेंटेंस का, वो क्वेश्चन किस तरीके का है, क्या से शुरू होगा, हमारा जो सेंटेंस है वो किससे शुरू होगा, क्या से शुरू होगा। तो यहां पर देखिएगा, क्या वे ड्रम बजा रहे हैं, ठीक है, तो देखिएगा क्या वे बजा रहे हैं क्या चीज, ड्रम। तो यहां पर सेंटेंस का मतलब क्या हुआ कि ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें आपका आंसर यस या नो में दिया जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन यहां पर देखिएगा, आर दे स्टॉपिंग द बस, आर दे स्टॉपिंग द बस, क्या वे बस रोक रहे हैं, क्या वे बस रोक रहे हैं। तो यहां जो सेंटेंस है आपका वो भी किससे शुरू हो रहा है, ऑक्सिलरी वर्ब से, यानी कि जो हमारा सेंटेंस का मीनिंग होगा वो किसमें, किससे शुरू होगा, क्या से शुरू होगा। अभी देखिए, जब भी आप आपके जो इंटरप्रेटिव स्टेटमेंट होते हैं अगर वो क्या से शुरू नहीं हो रहे हैं, कोई क्वेश्चन वर्ड है उसमें, तो वो क्वेश्चन वर्ड आपका इस पूरे सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाता है, यानी कि आपका जो सेंटेंस वो लिखा इसी कुछ इसी तरीके से जाएगा, सिर्फ अंतर ये होगा, डिफरेंस ये होगा कि जो क्वेश्चन वर्ड होगा वो किससे पहले आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब से पहले आ जाएगा। ऑक्सिलरी वर्ब जो कि आप हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं हर एक टेंस की अलग अलग, उससे पहले आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से सेंटेंस में हमारे दो तरीके के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, दो तरीके के क्वेश्चंस आते हैं इंटरोगेटिव स्टेटमेंट्स में। एक तो जो स्टार्ट होते हैं क्या, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से, और दूसरे स्टार्ट होते हैं आपके क्वेश्चन वर्ड से। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंसेस में क्वेश्चन वर्ड नहीं होते हैं, लेकिन क्वेश्चन वर्ड्स से स्टार्ट होने वाले सवालों में, क्वेश्चंस में, स्टेटमेंट्स में, सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब जरूर होती है, सब में ही होती है, क्योंकि बिना उसके टेंस जो है कंप्लीट नहीं होता है। तो यहां पर देखिएगा, तो ये चार एग्जांपल्स हैं आपके पास इंटरोगेटिव स्टेटमेंट्स के, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के, जो कि रिलेटेड है आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से। लेकिन ये सभी क्वेश्चंस इंटरोगेटिव तो हैं, लेकिन ये सारे क्वेश्चंस आपके किस तरीके के हैं, पॉजिटिव हैं, अफर्मेटिव हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं, पॉजिटिव यानी कि इनमें कोई भी नेगेटिव फीलिंग या फिर कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं है। आइए देखते हैं नेक्स्ट इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव स्टेटमेंट, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। तो देखिए, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस किसकी बात कर रहे हैं, हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं। यहां पर आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था जब भी सेंटेंस आप लिखें तो इंटरोगेटिव स्टेटमेंट, इंटरोगेटिव सेंटेंस आपका वही रहेगा, वैसा का वैसा ही रहेगा, सिर्फ उसमें जो नॉट है, नेगेटिव वर्ड जो है वो आ जाता है मेन वर्ब से ठीक पहले। बाकी का इसका जो स्ट्रक्चर है, जो लिखने का तरीका है, वो बिल्कुल वही रहेगा कि सबसे पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब रहेगी, उसके बाद जिसके बारे में, जिस सब्जेक्ट की आप बात कर रहे हैं, जो डूअर ऑफ एक्शन है, काम को करने वाला जो है वो आ जाएगा, उसके बाद नेगेटिव नॉट आ जाएगा, फिर मेन वर्ब प्रोग्रेसिव फॉर्म में आएगी, यानी कि फोर्थ फॉर्म में आएगी जिसमें आईएनजी लगा होता है, और उसके बाद आ जाएगा आपका उस सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट या फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसी तरीके से बाकी के सेंटेंस भी लिखे जाएंगे। एम आई नॉट टॉकिंग टू यू, क्या मैं आपसे बात नहीं कर रही हूं, या फिर क्या मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं। तो ये सारे सेंटेंस, इन दोनों क्वेश्चन जो हैं, ये दोनों ही क्वेश्चन हमारे किससे शुरू हो रहे हैं, क्वेश्चन वर्ब से, क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब से शुरू, सॉरी, ये जो दोनों ही क्वेश्चन है हमारे, ये किससे शुरू हो रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहे हैं। तो यहां पर आपका जो सेंटेंस का मीनिंग होगा वो होगा क्या, ठीक है। जैसे क्या वे आम नहीं खा रहे हैं, या क्या मैं आपसे बात नहीं कर रही हूं। तो ये जो दोनों सेंटेंस है, इनके आंसर आपके यस या नो में दिए जा सकते हैं। आइए देखते हैं यहां पर नेक्स्ट।
जिसमें हमारा क्वेश्चन वर्ड भी होगा. तो क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस देखिएगा यहाँ पर, व्हाई आर यू नॉट गिविंग योर बुक टू हिम. आप अपनी किताब उसे क्यों नहीं दे रहे हैं, आप अपनी किताब उसे क्यों नहीं दे रहे हैं. यहाँ पर आप यस नो में आंसर नहीं दे सकते हैं. आपका जो आंसर होगा वो होगा एक्सप्लेन्ड. आप रीजन बताएंगे आप क्यों नहीं दे रहे हैं, व्हाट इज द रीजन. ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर देंगे, जो भी आप आंसर देंगे, जवाब देंगे, वो आपका एक्सप्लेन्ड होगा, यस या नो में नहीं होगा. अगर मैंने आपसे ये सवाल पूछा क्या आप अंग्रेजी सीख रहे हैं, तो आपका आंसर यस या नो होगा. लेकिन अगर आपसे मैं ये पूछूं कि आप अंग्रेजी क्यों नहीं सीख रहे हैं, तो आपका आंसर यस या नो में नहीं दिया जा सकता है. आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसमें. नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा, व्हाई इज शी नॉट डांसिंग टुडे. वाइल डांस क्यों नहीं कर रही है, तो यहां देखिएगा सेंटेंस में आप देख सकते हैं सेंटेंस का जो मीनिंग है वो क्या है, कि वो आज डांस क्यों नहीं कर रही है. ठीक है, तो यहां पर जो आंसर होगा वो यस नो में नहीं दिया जा सकता है. अगर मैं पूछूं कि क्या वो आज डांस नहीं कर रही है, तब आप आंसर यस नो में दे सकते हैं. तब हमारा जो ये क्वेश्चन वर्ड है वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा, इज शी नॉट डांसिंग टुडे. लेकिन अगर आप पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं कर रही है डांस आज, तो यहां पर आपका जो क्वेश्चन वर्ड है क्यों, वो ऐड हो जाएगा. आई होप आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्लियर हुआ है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहां पर यूज होता है, क्यों यूज होता है, और उसके यूजेज किस तरीके से होते हैं, उसको कैसे लिखना है और कैसे बोलना है.